प्रदेश की हर गांव हर ढाणियों में शुद्ध पेयजल मुहैया कराने की कोशिश की जा रही है। दरअसल प्रदेश में 1000 से ज्यादा गांवों और ढाणियों में अब तक शुद्ध पेयजल नहीं मिल पा रहा है। आज भी इन गांवों में लोग फ्लोराइड युक्त पानी पीने को मजबूर नजर आ रहे हैं। ऐसे में सरकार कोशिश कर रही है कि दिसंबर तक हर घर को साफ पानी उपलब्ध कराया जाए। रिपोर्ट देखिए। देश में राजस्थान एकमात्र ऐसा राज्य है जहां सबसे ज्यादा फ्लोराइड युक्त पानी मिलता है और राजस्थान की 1034 गांव ढाणियों को शुद्ध पानी नहीं मिल पा रहा है। जलदाय विभाग के आंकड़ों के मुताबिक इन गांवों में आज भी लोग फ्लोराइड युक्त पानी पीने के लिए मजबूर हैं। जलदाय विभाग का दावा है कि दिसंबर तक बची हुई ढाणियों और गाँव को शुद्ध पानी मिल सकेगा। इस संबंध में विभाग के प्रमुख सचिव राजेश यादव ने सभी खंडों के अतिरिक्त मुख्य अभियंता को इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए लगातार मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही संबंध में राज्य स्तर पर नियमित तौर पर प्रगति रिपोर्ट भी भेजनी होगी। फ्लोराइड युक्त पानी के लिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की भी गाइडलाइन है, जल जीवन मिशन में भी ये कहा कि उसको फ्लोराइड मुक्त करना है पूरे भारत को, तो उसके लिए जो शेष हमारे फ्लोराइड युक्त जो गांव बचे हैं उसमें हमने सब में कार्यादेश जारी कर दिए हैं। और अभी फिलहाल हमारे को शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन के लिए डी फ्लोराइडाइज यूनिट हम लगा रहे हैं सोलर पंप के सहायता। जलदाय विभाग का दावा है कि 6849 गांव ढाणी को फ्लोराइड मुक्त करने का दावा किया जा रहा है। 6849 गांव और ढाणियों में से 5815 गांव ढाणियों में अब फ्लोराइड मुक्त पानी मिल चुका है। 85% प्रभावित आबादी को शुद्ध पेयजल मिल रहा है, बाकी की 15% आबादी को 3 महीने में शुद्ध पानी मिल सकेगा। फ्लोराइड वाली तो चल रही है, यहाँ के आरओ वाला कॉन्ट्रेक्टर था, आरओ वाला जो है वो तो सेलिनिटी जहाँ सारिता या टीडीएस ज्यादा उनके लिए लगाए हुए हैं, जहाँ फ्लोराइड है उनके लिए डी फ्लोराइडेशन यूनिट लगी है, वो तो यहाँ जयपुर में भी काम कर रही है। बीच में एक बार सिंगल सोलर जो सिंगल पंप सोलर पंप हाउस लगे तो वो बेकआउट हो गई थी, उनको वापस हमने शुरू कर दिया, सारे चालू हो गए। इसके साथ साथ इंजीनियर्स को फील्ड विजिट के दौरान पेयजल स्ट्रक्चर्स और वाटर बॉडीज के नमूने संग्रहित करने के काम में आपसी समन्वय में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। हर जिले में सैंपल कलेक्शन जांच के कामों और इसकी रिपोर्ट को नियमित रूप से ऑनलाइन अपडेट करने के भी निर्देश दिए गए हैं। साथ ही सभी जिलों में अधीक्षण अभियंताओं की जिम्मेदारी भी तय की जाएगी। आशीष चौहान, जी मीडिया, जयपुर।